राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के ए ब्लॉक में नाबालिग बच्चों द्वारा नाबालिग स्कूली बच्चों पर किया गया चाकू से जानलेवा हमला। मृतक 11वीं कक्षा का छात्र था और उसकी उम्र महज 16 से 17 साल बताई गई है। तभी कुछ नाबालिग लड़कों ने आकर उसे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मृतक का नाम रितेश है। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुलेआम बिकता नशा क्राइम को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा है। सभी स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से बहुत नाराज नजर आए। लगातार इस तरीके की घटनाएं इलाके में जारी है और पुलिस प्रशासन कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रही है। क्या नाम है आपका? संजय। संजय, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएं। ये तो मुझे भी नहीं पता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, जा रहे होंगे तो वहाँ पर कुछ लड़के, इनकी कोई रंजिश चल रही है या उन लड़कों ने पहले कोई बात होगी तो स्कूल जा रहे थे तो वहाँ इन्होंने घेर के उनके चाकू वाकू लड़के के चाकू मारे हैं। सुनवाई तो होगी तो देखो होगी, कुछ कर नहीं रही। वैसे भी आजकल के छोटे बच्चे 15, 16, 17, 18 नाबालिग होने से पहले कोई शह दे देता है या तो चाकू मार देते हैं और पता लगता है बाद में वो नाबालिग है तो उसके बाद वो छुटना है। क्या नाम था आपके बच्चे का, क्या करता था वो? रितेश नाम है, स्कूल पढ़ता है वो। स्कूल पढ़ता था। हाँ जी। तो कुछ पता लग रहा है किन लोगों ने मारा है अभी तक? तो कुछ नहीं पता लगा। तो पुलिस क्या कर रही है अभी तक? अभी तक तो छानबीन ही कर रही है पुलिस। कितनी देर पहले चाकू मारे गए हैं? डेढ़ घंटा हो गया। कोई पुरानी दुश्मनी? कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये रोज डेली स्कूल जाते हैं। पकड़ने के बाद में पढ़ता है आपका बच्चा? क्या नाम है? राजू। राजू, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इसमें पता लगा था बच्चे को चक्कू मार दिया पर नशा इतना हो रहा है कि पुलिस कुछ नहीं करती। छोटे छोटे बच्चे नशे में उतरे समय एक दारू बहुत ज्यादा है। पुलिस पुलिस को पता सब जी कहाँ से मिलता है? अच्छा। पुलिस कुछ नहीं ध्यान देती किसी। अच्छा, ध्यान नहीं देती। दिन दहाड़े जिनको पैसा मिल जाता है ये कहाँ ध्यान देगा? दिन दहाड़े जिस तरीके से चाकू मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? गलत बात है। देखो आज इसको बच्चे मारा, बच्चा सबका ही है। हम तो ये चाहते हैं कि उनको किसी को मारा गया पकड़ने जाने चाहिए जो भी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नाबालिग जो मर्डर कर रहे हैं ये इसका नाबालिग का फायदा उठा रहे हैं। इस कानून को बदलना चाहिए ना, कि ये नाबालिग का कानून ही हटना चाहिए। जुल्म तो जुल्म ही है, मर्डर तो उसने भी किया, नाबालिग भी करेगा बड़ा भी करेगा, तो सजा तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो। क्राइम इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हो चुका जी। जहांगीरपुरी के अंदर तो कोई महीना ऐसा नहीं जाता होगा कि जो मर्डर नहीं होता होगा। खैर, क्राइम बड़े नहीं कर रहे, बड़े नाबालिग से करवा रहे क्राइम। बड़ों ने अपने हाथ खड़े करे को अपने साइड में, नाबालिग उन्हें पता कि 2-3 महीने जमानत हो जाएगी, चलो जी करवा दो। है किसी का लाल चला जाता है, क्राइम अपने अपने मजे ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की छवि के बारे में क्या? प्रशासन की छवि तो दुनिया को पता, प्रशासन की छवि, पुलिस प्रशासन की छवि तो ऐसी इतनी अच्छी है, सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन हमारे दिल्ली में पुलिस प्रशासन तो बढ़िया चल रहा है। और क्या चल रहा है, जिस मर्जी हो जो मर्जी मार देता है, इस कानून का कोई बदलाव ही नहीं है। विनीत, जिस तरीके से दिन दहाड़े चाकू मार के हत्या कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे तो आम बात है, दिन में कम से कम एक आध बार ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती रहती है और पुलिस के लिए भी बिल्कुल मामूली सी बात है। जिस तरह से खुलेआम स्मैक यहाँ पे बेची जा रही है, कोई पुलिस वाला कुछ करके राजी नहीं है, एसएचओ साहब का भी घूम के राजी नहीं है। खुलेआम वारदात पे वारदात होती रहती है, स्नैचिंग जैसी वारदात तो मतलब दुकानदारों के गले तक लूटे जा रहे हैं। स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है पर पुलिस को कोई लेना देना नहीं है, पुलिस आराम से मजे काट रही है और जो जनता है जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं बड़े डर में जीने का माहौल बना हुआ है। दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया इस पर, यही है बिल्कुल आए दिन की कहानी है। वो तो आज आप लोग आए, वो लड़का मर गया इसलिए आप लोगों को पता भी लग गया, नहीं तो पता नहीं कितने चाकू लगते हैं, कितने ब्लेड लगते हैं, कितने लोगों की जेब से फोन छीने जाते हैं, उनको मार पीट की जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता है। आप बोलोगे तो कोई 100 नंबर कॉल होती नहीं, यहाँ भी तक अभी तक 100 नंबर की गाड़ी आई नहीं है। वो तो जिन लोगों ने देखा वो बच्चे वहाँ बताने गए थाने में, इसलिए इतना कुछ हो भी नहीं, तो इसको भी दबा दिया जाता। ठीक है, और करूँ पिंकी जी, जिस तरीके से आज ये हादसा हुआ, दिन दहाड़े चाकू मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आए दिन की घटना हमेशा होती रहती है, पुलिस कोई अपना काम नहीं करते, ना कोई गश्त लगाने के लिए। कई बार हम लोगों ने, गली के मोहल्लों ने, सबने, महिलाओं ने, बहुत सारी ने कहा है कि भाई एक गश्त तो लगाए कम से कम। रोज शाम होते सार यहाँ पे दारूए पार्क में दारूए शुरू हो जाती है और कोई कहने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे आए दिन ऐसे चलता है, रोज छीना झपटी चलती है यहाँ पर। अभी कौन था लड़का, क्या पता चल पाया कुछ इस बारे में? इसका कुछ नहीं पता कौन था क्या था, ये तो जब हल्ला मचा तो तब उस बच्चे को किसी की बाइक पर बिठा के उसको हॉस्पिटल भेजा गया। पता चला कितने चाकू मारे?
उसका कुछ नहीं पता है, दो तीन चाकू बता रहे हैं, जब हो चुका था सब काम उसके बाद हम लोग आए थे। इस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं, क्या आपने कभी शिकायत दी है? क्या भी आला दी हम लोगों ने लिखित भी शिकायत दे रखी है कि सर कम से कम एक कंप्लेंट तो कोई तो आए, किसी तरह का भी कोई भी यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।